बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं एक बहुत अच्छी चीज़ बना। तिल के लड्डू जाड़े आ गए हैं, तिल के और गुड़ के लड्डू बनाएंगे। ये हम एक प्याला आटा भून रहे हैं हल्की हल्की आंच में, थोड़ा खुशबूदार हो जाएगा। इसको हम अलहदा कर लेंगे। ये थोड़ा हल्का बर्तन है, बर्तन थोड़ा भारी रखना चाहिए। घी शामिल कर रहे हैं। एक चम्मच घी शामिल करते हैं हम। इसमें हम थोड़े काजू बादाम सब तल के, थोड़े किशमिश गोला कसा हुआ सबको, और ये थोड़े से तिल हैं। ये तिल हमने भून लिए, इन सबको हम शामिल कर लेंगे और इसको थोड़ा दलदला कर लेंगे। ये गोंद बबूल का गोंद है, सफ़ेद गोंद है। इसको खाने से कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द और बहुत सी ताकत आती है। लकोरिया की जो बीमारी है, ये जो है बबूल के गोंद से ही जाती है। ये नया गोंद है, ये बिल्कुल नया गुड़ है, अभी आया है ताज़ा गुड़। ये 250 ग्राम गुड़ है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं, इसमें हरी इलायची का पाउडर डालते हैं। ये हमने सब कुचल लिया, उससे हवन दस्ते में कूट लिया है। सब चीज़ शामिल कर रहे हैं, जितनी चीज़ें हमने सब भूनी है। इसमें आटा शामिल किया, इसमें गोंद तिल, ये मैंने सब चीज़ शामिल करके मिला ले रहा है। गुड़ डाला है इसमें मिला के। अब ये बहुत छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, बड़े मज़ेदार और खस्ता बन रहे हैं ये लड्डू। खूब मिलाएंगे ऐसे करके, खूब कर रहे। और लो हो गया ये हमारा डो तैयार। इसको हम ऐसे करके बना लेंगे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कलर और बहुत खुशबू आ रही है। इसके खाने से कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बादाम काजू और मींगे हैं खरबूजे की, और खशखश और तिल, ये सब चीज़ ताकत की हैं। और गोंद, ये सब कोई ज़यीफ़ इंसान भी खा सकता है, कोई बच्चा भी खा सकता है। तिल से दिमाग बढ़ेगा, कमर के दर्द वाले, जोड़ों के दर्द वाले सब खा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। आप सब ठीक।